नमस्कार, मैं अनिल नैयर, स्पिरिचुअल डॉक्टर। आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला। हम में से या हमारे परिवार में कोई ना कोई समस्याओं, विभिन्न तरह की समस्याओं, बीमारियों से जूझ रहा है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हर बीमारी का कारण इमोशनल होता है? जी, हैरान हो गए ना सुनकर। यानी हमारे अनरिजॉल्व्ड नेगेटिव इमोशंस ही हमारी हर समस्या और हर बीमारी के कारण है। तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं, अगर किसी के जीवन में मिठास नहीं है तो उसका डायबिटिक होना तय। अगर आपके मन की बात कोई समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, यानी आपको महत्व नहीं दिया जा रहा, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आप अपनी बात किसी को कह नहीं पा रहे तो आपको थायराइड हो सकता है। यानी या तो आपका शरीर फूलने लगेगा या आप दुबले हो जाए। और दोस्तों, आप माने या ना माने, पर अगर आपकी ईगो खत्म नहीं हुई तो आपके घुटने आपका साथ नहीं दे। और अगर आपको रिश्तों में भारीपन लग रहा है, रिश्तों में जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपकी किडनी फेलियर के शिकार। और यदि आप में एंगर की भरमार है, गुस्सा साहब, यदि बात बात पर आपको गुस्सा आता है तो जनाब आपके साथ घटनाएं और दुर्घटनाएं होती। यदि आपको लगता है कि परिवार का सारा बोझ सिर्फ आपके कंधों पर है तो आप फ्रोजन शोल्डर के शिकार। कुछ भी, ये थे कुछ उदाहरण कि हमारी समस्या का कारण हमारे द्वारा क्रिएट किए गए अनरिजॉल्व्ड नेगेटिव इमोशंस। अब आप भी समझना चाहेंगे कि ये अनरिजॉल्व्ड नेगेटिव इमोशंस आखिर है कौन से। सही पहचाना आपने, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ईगो, रिसेंटमेंट और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपकी समस्याओं और बीमारियों के कारण, और उनकी वजह से हम सभी जीवन भर दवाइयां खाते रहते हैं और चलते रहते, पर बीमारियों से छुटकारा नहीं होता। लेकिन 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 साथ अगर आप चाहें तो बिना दवा के इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते। आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भाई साहब आप चाहें तो हो सकता है, मैं आपकी मदद कर सकता। बस आपके जीवन के कुछ दिन मेरे साथ गुजारिए और फिर देखिए कमाल, क्योंकि आपकी हर समस्या और बीमारी का समाधान आप ही के पास है। बताऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।